नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। राजधानी दिल्ली में लोग सर्दी से परेशान हैं। इन दिनों दिल्लीवासी ठिठुर रहे हैं। लोगों को बारिश और शीतलहर से दो चार होना पड़ रहा है। गुरुवार का दिन फरवरी महीने का सबसे ठंडा दिन रहा। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को चली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली वासियों को कपकपी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकतम तापमान 8 डिग्री गिरकर 14.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो 19 साल में इस महीने में रहने वाला सबसे कम तापमान है। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह तेज हवा, बादल और कोहरा देखने को मिला। गुरुवार को दर्ज किया गया अधिकतम तापमान पिछले 19 साल में इस महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 1 फरवरी 2003 को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि गुरुवार को पूरे दिन दिल्ली में बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ ने दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तापमान में गिरावट ला दी है। इससे फिलहाल राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में बारिश हो रही है। विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले दो दिनों तक बारिश और शीतलहर चलने के आसार हैं। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।